हे गाइस, वेलकम बैक। और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ऑसम से क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। गाइस, काफी माफी चाहूंगा कि लास्ट दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसका रीजन था, इतना ज्यादा थंडरिंग हो रहा था कि उसकी वजह से एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी, इंटरनेट भी चला गया था, और एक्सट्रीमली सैड गाइज, एक्सट्रीमली सैड। कल नया जो रॉयल चैंपियन स्किन है गोल्ड पास का, जो आने वाला है अपकमिंग सीजन में, वो शोकेश हुआ, तो वो आज हम करेंगे शोकेश। एंड उसी के साथ काफी सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर करूंगा आने वाले और एक्साइटिंग अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं, मैं बोलना भूल गया कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको याद है बताया था कि गिव अवे कब अनाउंस करने वाला हूं मैं, विनर्स और क्या है गिव अवे, इसमें वो बताया नहीं था मैंने। तो आज की वीडियो में मैं वो भी शेयर करूंगा कि क्या चीजें हैं जो गिव अवे में होने वाली है, कैसे जीत सकते हो, और कब मैं विनर डिक्लेयर करूंगा, इसका भी मैं आज ब्रीफ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। नया गेम आ चुका है मिनी गेम में, और लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने क्लैश खेला था, अब क्लैश डैश भी आ चुका है, वो भी थोड़ा सा हम खेलेंगे। थोड़ा मैंने खेला ऑलरेडी, इतना ईजी नहीं है जितना क्लैश था, बट उसका भी हम थोड़ा ट्राई लेंगे। मैं आपको एक अपडेट दूंगा कि कितना हम बिल्डर हॉल में अपग्रेड मतलब प्रोग्रेस किए हैं, कि हमारा जो नया बिल्डर है 6 बिल्डर हम लोग अनलॉक करना चाहते हैं। एंड फाइनली हम कुछ वॉल्स भी अपग्रेड करेंगे, क्योंकि सीजन एंड होने से पहले मेरा एम है कि ये लास्ट रो जो बचा है इसको कंप्लीट कर लूं, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला था, बीच में वीडियोस बनाने के चक्कर में मैं इतना खेल नहीं पाया। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। बट गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज एंड प्लीज, अगर आपको चैनल पसंद है, अगर आपको मेरा काम पसंद है, सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड उसके साथ लाइक भी कर दें, एंड इन गेम कुछ भी परचेज करते हो, चुम्मेश्वरी सपोर्ट जो आप मुझे हमेशा करते हो, वो है क्रिएटर कोड अड्डा, कुछ भी सुपर सेल गेम में परचेस करते हो, और नया सीजन भी आ रहा है, प्लीज अगर परचेस करते हो तो जरूर कोड अड्डा से सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए सबसे पहले हम स्किन देखेंगे, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। ओके, सो गाइस, जो नया स्किन आने वाला है इस सीजन, वो है रॉयल चैंपियन का पार्टी चैंपियन। अब ये पार्टी चैंपियन जो है मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट स्किन लगा रॉयल चैंपियन का, क्योंकि इससे पहले जितने भी स्किन्स आए हैं रॉयल चैंपियन के, मुझे इतने खास नहीं लगे जो ये लगा है। तो इसके एनिमेशन वगैरह हम फटाफट चेक कर लेंगे। चलिए सिंगल प्लेयर में जाके कहीं पे एक इसको ट्राई मारते हैं, और ये बेस है, एंड मुझे बेसिकली एनिमेशंस देखने होते हैं, और एबिलिटी जब यूज़ करो तब के एनिमेशंस देखने होते हैं। एक चीज़ तो मैं समझ रहा हूँ कि मतलब काफ़ी कूल बनाया है इस चैंपियन को, आप देख सकते हो हैट पहनी हुई है, और एक बूम बॉक्स टाइप का उसने लिया हुआ है, जैसे पार्टी वार्डन में भी है, और बूम बॉक्स के अंदर से कुछ गोले वगैरह निकल रहे हैं। एबिलिटी अगर मैं पॉपअप करता हूँ तो गाइज बूम बूम बूम, तो ये एबिलिटी भी काफ़ी कूल लगी मुझे। एंड सच बताऊं तो जितने भी चैंपियन, जैसे मैंने अभी शेयर किया आपसे कि जितने भी चैंपियन के स्किन्स हैं उनमें मुझे ये सबसे अच्छा स्किन लगा है अभी तक का। इसकी जो मोशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, इसका जो अटैक करने का स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा है, एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ऑब्वियसली बहुत लोगों का ये फेवरेट चैंपियन स्किन होने वाला है। अगर आपके पास चैंपियन नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप गोल्ड पास परचेस करते हो ये आपके स्टॉक में रह जाएगा, आप बाद में जाकर कभी भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स नॉट अ इशू। ओके, सो गाइस, सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करने चाहता हूँ कि मेरा 6 बिल्डर का जो एम था वो कितना प्रोग्रेस हुआ है अभी तक। आप देख सकते हो बैरल मशीन मेरा अपग्रेड हो रहा है लेवल 15 पे, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लेवल्स बचे हैं, बट भाई शुरुआत तो कर चुके हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं। अगर अब मैं आपको बताऊं तो मल्टी मोटा लेवल 8 का हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मल्टी मोटा लेवल 8 का होता है तो ही आप अपने विलेज का मोटार जो है वो अपग्रेड कर सकते हो, मतलब उसको गियर अप कर सकते हो, और आपको यहाँ पे सारे गियर अप चाहिए होते हैं। अभी तक एक भी ग्रीन टिक आया नहीं है। दूसरी बात रही टेस्ला, अभी परचेस किया, अभी लेवल 1 का ही है, क्योंकि बिल्डर का 2 जगह काम है मेरा, एक तो बैटल मशीन पे, एक तो मेगा टेस्ला पे, तो यही दिक्कत है कि एक बिल्डर है और काम 2 हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑब्वियसली हम पहुंच जाएंगे। मैजिक आइटम्स है हमारे पास, उसी के साथ हम रेड मेडल से जो अपना गोल्ड एंड एलिक्सिर उठा रहे हैं उसकी मदद से हम पहुंच जाएंगे। रेड कार्ड्स की बात करें तो हमारे 16 लेवल पर जा रहे हैं रेड कार्ड्स, इसका मतलब इसके बाद 2 लेवल बचेंगे, तो मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूं कि और 2 से 3 महीने लग जाएंगे मुझे 6 बिल्डर तक पहुंचने में, बट कोई नहीं, वो एक बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अभी टाउन हॉल 15 आने में वक्त है, तब तक हमें इसे टाउन हॉल 13 मैक्स करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अब देखो, एक चीज़ मैंने और आपको बताया था कि मैं सीज़न एंड होने से पहले चाहता हूँ कि ये लास्ट रो जो है मैं कंप्लीट कर लूँ। ऑब्वियसली बात है कि इतना अपडेट कंटेंट आ रहा है जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग में बिजी हूँ, तो मुझे ज़्यादा खेलने का वक्त नहीं मिल रहा है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा अपग्रेड्स करूँ। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं गाइस, अभी तो फिलहाल मेरे पास रिसोर्स बहुत कम है, एक एक वॉल होगा उससे ज़्यादा नहीं, और आर्मी रेडी है, तो एक अटैक फटाफट मारते हैं और वॉल्स करके फिर क्लैश डैश जो नया गेम आया है, क्लैश डैश को एक बार ट्राई देंगे, क्योंकि मैं वो मुझे काफ़ी कूल लगा, ये वाला गेम क्लैश से भी ज़्यादा कूल लगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी, तो भाई लूट मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया, पता नहीं क्यों, कब जब से मुझे देखा ना ट्रेनिंग कॉस्ट हटा दिया है तब से लूट मिलना बहुत मुश्किल हो गया, डेड बेसिस तो मिलते ही नहीं है, नॉर्मल बेसिस में मिलने मुश्किल हो गया। चलो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इस बेस पर अटैक करते हैं, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन आ जाएगा, किंग क्वीन आ जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे किंग आ जाएगा, और थोड़ा सा वेट करके
बॉटम साइड में क्वीन डिप्लॉय कर दूंगा ताकि किंग और क्वीन साथ साथ चले। अब यहां से हम अपनी ईडीज को ड्रॉप करेंगे, सो लेट्स गो विद द ईडीज। मैंने गलती से बेबी ड्रैगन ड्रॉप कर दिया, बट कोई नहीं, चलेगा। यहां पे हम डबल रेज एंड वार्डन एबिलिटी अर्ली, एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि एक भी हम इनिशियल ईगल के डैमेज जो है वो ना लें। यहाँ पे मेरा फ्रीज आ जाएगा, यहाँ पे एक रेज और आ जाएगा, और सेंटर में एक और रेज आ जाएगा। सो सारे रेज हम यूज़ कर चुके हैं एंड यहाँ पे फ्रीज करना है। अनफॉर्चुनेटली मेरा रॉयल चैम्पियन जो है वो अपग्रेड पे है, तो रॉयल चैम्पियन का जो मतलब एबिलिटी एंड उसका जो यूज़ है मैं कर नहीं पाऊँगा, बट कोई बात नहीं। एक और फ्रीज यहाँ पे ताकि ये स्वीपर जो है वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट ना करे। क्वीन एबिलिटी अभी भी हमारे पास पड़ी हुई है, बट सारी ईडीज जो है वो कोर में वैनिश हो चुके हैं। आई डोंट नो कि ये थ्री शायद हो शायद ना हो, इतना पता नहीं मुझे। काफ़ी सारी ईडीज हैं यहाँ पे, तीन ईडीज हैं यहाँ पे, एक ईडी ऊपर साइड है, और थ्रेड तो बस ये एयर डिफेंस है। ये एयर डिफेंस अगर एक बार निकल जाए ना तो हो जाएगा। चार ईडीज हैं यहाँ पे, मुझे मुश्किल लग रहा है ये वाला, क्योंकि ये जो ईडी है ना, कोर का ईडी, मतलब ये अंदर में जो स्टोरेज से प्रोटेक्टेड, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है सारी चीज़ों को। ईडीज डाउन हो चुके हैं एंड वार्डन भी काफ़ी लो एचपी आ चुका है। आई डोंट थिंक कि ये हो पाएगा, क्योंकि दोनों काफ़ी लो हैं भाई। एक ये भी काफ़ी लो, एक हिट और ये भी गया। ओके, अब क्वीन के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये वाला विजर्ड टावर और ये वाला टेस्ला जो है वो वॉकेबल नहीं है, दैट्स द इशू। कैनन जो है वो डाउन हो जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू, बट इशू जो है वो है टेस्ला। क्वीन जो है यहाँ पे वॉल बीट कर रही है, मैं अभी वेट करता हूँ, देखता हूँ कि अगर क्वीन इस टेस्ला से बच गई तब तो हो जाएगा, क्योंकि विजर्ड टावर तो इतना डैमेज देता नहीं है। और ये वाला स्किन भी काफ़ी है, छतरी, ओपन छतरी वाला स्किन जो है वो भी काफ़ी हंसी आता है मुझे देखने में। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्केलेटन्स थे, तो ये स्केलेटन्स फटाफट क्वीन यहाँ पे मैनेज कर लेगी। ओके, ये थ्री है, क्योंकि अब क्वीन जो है वो वॉल बीट करेगी, और मैं एबिलिटी भी पॉपअप कर देता हूँ ताकि क्वीन जो है वो जल्दी वॉल बीट करे, और एक शॉट एंड दैट्स इट। ओके, तो थोड़ा सा गोल्ड हमने यहाँ पे गेन कर लिया है, जो कि हमारे को हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और जो थोड़े हमारे वॉल्स बचे हैं उनको अपग्रेड करते हैं फटाफट। यहाँ पे एक और वॉल होगा, नहीं होगा, कोई नहीं, आज मैं फ्री हूँ थोड़ा सा, तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें क्लैन कैपिटल भी खेलना है वैसे। तो चलिए अब थोड़ा क्लैश डैश के मज़े लेते हैं। नहीं, क्लैश डैश के मज़े तो थोड़ी देर बाद लेंगे, उससे पहले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि गिव अवे के बारे में। तो ओके, सबसे पहली चीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पांच आइटम्स हैं टोटल जो हम गिव अवे कर रहे हैं। कार्ड के पैक्स है चार, कुछ मर्च्स हैं, और उसी के साथ एक पोस्टर है। अब देखो, ये पांच विनर मैं डिक्लेयर करूंगा, हर बंदे को एक एक आइटम मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको एक कोड शेयर करूंगा, वो कोड कहाँ रिडीम करना है ये भी मैं बता दूंगा, और वो पांच लकी विनर्स मैं कब डिक्लेयर करूंगा, 2nd of August, क्योंकि उसी दिन ऑफिशियली जो है वो 10th एनिवर्सरी है क्लैश ऑफ क्लैंस की। तो 2nd अगस्त की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, 2nd अगस्त में विनर्स डिक्लेयर करूंगा, पांचों विनर्स हम डिक्लेयर करेंगे। सारे विनर्स जो हैं वो मैं अपने कमेंट से पिक करूंगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट करने बोला था, मैं वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो आप जाके कमेंट करो, क्योंकि अभी भी आपके पास वक्त है। 2 तारीख को विनर्स हम डिक्लेयर करेंगे, और सारे विनर्स को जो है वो मैं अपने जीमेल से कॉन्टैक्ट करूंगा, मतलब वो मुझे जीमेल में उसका भी मैं बता दूंगा एक्चुअली। तो ये सीन है। तो चलिए अब थोड़ा क्लैश डैश का मज़ा लेते हैं, क्योंकि क्लैश डैश जो है वो मुझे क्लैश से भी, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा फन लगा। बट दिक्कत ये है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, सबसे मतलब मुश्किल जो मुझे लगता है इसके कंट्रोल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये स्किप करेंगे और मैं हॉग राइडर चूज़ करूँगा। अब हॉग राइडर चूज़ करने का रीज़न यही है कि काफ़ी फनी लगता है ये वाला। तो एक मिनट, मैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम कर देता हूँ, वरना बड़ा ही अटपटा सा लगता है। तो ये देखो, तो ये जो स्वाइप करके करना है ना, ये मुझे काफ़ी अटपटा लगता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इसमें। ये देखो, ये ज़्यादा स्वाइप हो जाता है ना, तो फिर ये गिर जाता है पानी में, कभी कभी वो पहाड़ों मतलब चट्टानों में अटक जाता है। तो ये एक इशू है। अभी तक हम सही जा रहे हैं, ये कभी कभी थोड़ा फ्रीज़ भी हो रहा है, ये मेरे साथ काफ़ी वक्त मतलब काफ़ी बार हो चुका ऑलरेडी। तो अभी तक तो हम काफ़ी सही जा रहे हैं, एक बंदा हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है, बट कोई इशू नहीं है। अभी 3 लैप्स बचे, और नो भाई अभी बच गया मैं ठुकते। यही सीन है ना गाइज, यही सीन है कि ये कंट्रोल्स जो है मुझे काफ़ी टफ लग रहे हैं। आप लोग बताना आपने कितना क्लैश डैश जो है वो इन्जॉय किया। मैंने तो काफ़ी ट्राई किया, और अभी तक मैं जो सबसे अच्छा मेरा परफॉर्मेंस था वो मैं 3rd आया था, अभी तक मैं 2nd या 1st आया नहीं हूँ। और ये वाला गेम काफ़ी अच्छा जाएगा मुझे जितना लग रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। अभी तक तो हमारा परफॉर्मेंस सही जा रहा है, एंड अभी तक हम थोड़े भी फंसे नहीं हैं, वी आर गोइंग गुड। अरे क्या हो गया, मैं फ्रीज़ क्यों हो गया, ये पता नहीं ये क्यों होता है। मैं वहाँ पर फ्रीज़, ओह अच्छा वो फ्रीज स्पेल था शायद, फ्रीज स्पेल की वजह से मैं फ्रीज़ हो गया, कोई बात नहीं। ओ नो अटक गया मैं पानी में गिर गया। अरे यार, ये सीन मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसी वजह से जीत नहीं पा रहे हैं, बट कोई ना, लेट्स सी कितना हम खींच पाते हैं। मेरे साथ यही हो रहा है, पता नहीं, मैं पता है कभी कभी ना काफ़ी आगे रह रहा हूँ, और फिर अचानक से एक वक्त आता है। अब ये क्या हो गया,
इसका मैं इफेक्ट अभी तक समझ नहीं पाया हूँ ये क्या है। तो कभी कभी मैं काफ़ी आगे रहता हूँ, फिर अचानक से एक बुरा वक्त, मतलब एक पल जो है वो काफ़ी बुरा होता है और उसकी वजह से मैं काफ़ी पीछे रह जाता हूँ। तो अभी तक तो ये वाला गेम इतना बुरा नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे भी बुरे टाइम मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। और ये स्लाइडिंग जो है ना, ये कभी कभी इतना अच्छा काम नहीं करता, अभी तो फिलहाल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बट हमेशा ये अच्छा काम नहीं करता। अभी तक मैं फिफ्थ हूँ, मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताया मैं थर्ड आया था एक बार, तो अभी तक मैं सेकंड या फर्स्ट आया नहीं हूँ, जो मेरा एम है। ये एक लैप हम पार कर चुके हैं, अभी भी दो लैप्स बचे हैं। लेट्स सी क्या हम इस बार भी लास्ट ही आएगा ना। इसका कंट्रोल काफ़ी हार्ड लग रहा है मुझे, सच बता रहा हूँ, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। थोड़ा सा स्वाइप करते हो तो काफ़ी स्वाइप हो जाता है, कभी कभी जितना आप स्वाइप करना चाहते हो उतना स्वाइप नहीं होता, तो ये एक इशू है। अभी तक तो फिलहाल हम सही जा रहे हैं, हो सकता है कि मैं इसको पीछे छोड़ दूँ। ये रेज में तो और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बट इस बार हम डिसेंट जा रहे हैं, क्योंकि यस मुझे पता है मैं फिफ्थ हूँ, बट जो मेरे आगे हैं वो इतना भी मेरे से आगे नहीं है, मतलब मैं उनको फ्रेम में देख पा रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, लेट्स सी, थोड़ा पावर अप करते हैं। अरे यार ये फिर से क्या हो गया, नहीं यार एन मौके में ऐसा हो गया मेरे साथ। इस बार पानी में नहीं गिरना, इस बार फिर से अगर हम पानी में गिरे ना तो फिर बैंड बच जाएगी। Come on. Okay. नहीं यार, वहां पे मैं लीड ले सकता था, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। Dang it, इसको मैं पीछे नहीं जाने दूंगा। ए भाई क्या कर रहा है, चलो 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 चलो, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। नहीं गया मैं, अब शायद नहीं जा पाएंगे, हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लास्ट लैप है, मतलब ये लास्ट लैप नहीं है, इसके बाद ये वाला लास्ट लैप है। और अगर आप देखोगे तो हम, मतलब ठीक है मैं फोर्थ में हूँ, इतना भी पीछे नहीं चल रहा, तो लेट्स सी। पानी में गिरा तो गया, पानी में गिरा तो गया, ये मेरा लास्ट चांस है, अगर इस बार मैं कहीं भी ठूका तो दैट्स इट, फिनिश। बट अभी तक हम काफ़ी अच्छा जा रहे हैं, अभी तक हम काफ़ी अच्छा जा रहे हैं, कहीं मैं कहीं ठुक गया फिर से, नहीं गया। अब भाई 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 भाई, जो मेरे पीछे था उसने मेरे को और लटका दिया, अब तो भाई मुझे लग रहा है कि इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे अब। इसको भी कुछ हो गया शायद, ओके चलो एक पावर अप मिला है, इसका फ़ायदा उठा के जितना। अरे भाई बस्ता कहाँ से आ गया बीच में, अरे नहीं बीच में कहाँ से बस्ता आ गया भाई। कमॉन कमॉन कमॉन, एक अच्छा पावर अप मिलना, सारे पावर अप्स तो मुझे यूज भी करने नहीं आते। अरे फिर से नहीं, अरे भगवान भाई, अब खत्म, अब कोई चांस नहीं है। इस बार तो मेरा, इस बार का स्टार्टिंग अच्छा हुआ था, बट उसके बाद तो भाई सब कुछ गंदा हुआ, फिर से पानी में गिर गया। इसमें जंप का ऑप्शन नहीं है, जंप का ऑप्शन होता तो शायद कुछ बात बनती, बट मुझे नहीं लगता इस, मतलब लगता नहीं क्या, मैं कंफर्म हूँ कि इस बार हम जीत नहीं, एटलीस्ट मैं लास्ट ना हूँ, ये सबसे बुरा होगा कि मैं लास्ट आ गया। चलो कम से कम फिफ्थ आते हैं तो लास्ट नहीं आएंगे, मुझे तो लगता है मैं लास्ट आने वाला हूँ इस बार। भाई साहब नहीं, मुझे लास्ट नहीं आना, कम से कम फिफ्थ आऊँ तो भी मैं सह लूँगा। चलो चलो चलो, अरे ये क्या सीन है भाई, यार लास्ट आ गया मैं इस फ्रीज की वजह से। बट कोई नहीं यार, मैं लास्ट मोमेंट में बहुत मुश्किल हो गया मेरे से, बट कोई नहीं गाइस, यही था आज का वीडियो, आई होप श्योर आपने एंजॉय करा। तो जैसे मैंने बताया गाइस, गिव अवे का जो विनर है वो डिक्लेयर करेंगे 2nd of August। आइटम्स मैंने आपको शेयर कर दिए, 5 विनर्स होंगे जिनको हर एक चीज इंडिविजुअल मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर विनर होते हो तो मैं आपको कोड दूंगा, आप कोड एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, उसमें जाके क्लेम करोगे, एड्रेस भरोगे, आपके एड्रेस में डायरेक्टली वो कुरियर हो जाएगा, नो टेंशन गाइस। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चरण एज ऑलवेज गाइस, जय हिंद बाय।